नमस्कार, प्रणाम। मैं राजन कुमार, बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। बुराई पर अच्छाई की जीत, और आज गांधी मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं। और गांधी मैदान का नज़ारा आप साफ तौर से मंच देख सकते हैं कि किस तरीके से मंच पर जो अतिथि, वरिष्ठ अतिथि है, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अलग मंच बनाया गया, दशहरा कमेटी पर बैठने के लिए वो अलग से मंच बनाया गया है। और आप साफ तौर से देख सकते हैं 80 फीट का रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, गांधी मैदान का यह दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मूड में है, और बाहर की अगर बात की जाए तो बाहर पुलिस फोर्स है, और तीसरी निगाह की बात की जाए सीसीटीवी कैमरे से लैस है। किसी तरह का कोई अनहोनी न हो, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद होकर काम कर रही है। देखिए, दुर्गा पूजा की अगर बात की जाए तो पटना पुलिस लगातार एक्टिव रही, दुर्गा पूजा अच्छे तरीके से मनाया गया, जिसको लेकर पटना पुलिस को न्यूज़ पेयर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीर ये देख रहे होंगे, और साफ तौर से आज बुराई पर अच्छाई की जीत होगी कहा जाता है। दुर्गा पूजा को लेकर पूरी तैयारी है। दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से बताया गया था कि पूरे भव्य तरीके से इस बार मनाया जाएगा। भारत भर में ये दूसरे नंबर पे, और एक नंबर पे भी बिहार आता है, जो कि गांधी मैदान में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलता है। कुछ ही देर के बाद रावण का वध होगा, पूरी तैयारी की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार यहाँ पहुँचेंगे, बिहार सरकार के कई नेता मंत्री पहुँचेंगे, और इसी ग्राउंड में रामलीला मनाया जाएगा। जो गेट है वो तमाम गेटों को खोला जाएगा, खास करके जो पहले भी न्यूज़ पेयर ने आपको खबर दिखाया था किस गेट से आम जनता वहाँ पहुँचेगी, किस गेट से कौन पहुँचेगा, तमाम तस्वीर आपको मैंने दिखाया। और इस बार लंका दहन, सोने का लंका भी गांधी मैदान में बनाया गया है, यानी लंका दहन, हनुमान जी आएंगे और उनका भव्य स्वागत होगा, भ्रमण होगा, उसके बाद रावण वध की पूरी तैयारियां की जाएगी।